विश्व में अपना घातक रूप दिखा रहा कोरोना महामारी का कहर अभी भी जारी है। वायरस ने अभी तक करोड़ों लोगों को अपना शिकार बना लिया है और इसका प्रकोप अभी भी जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 35.09 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 55.9 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि 9.79 अरब से ज्यादा का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। टीकाकरण का आंकड़ा हुआ इतना। यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग CSSE ने सोमवार सुबह नए अपडेट में बताया है कि वर्तमान वैश्विक मामले की संख्या 35.09 करोड़ 9,00,728, मरने वालों की संख्या 55,95,929 और टीकाकरण की कुल संख्या बढ़कर क्रमशः 9,79,55,54,434 हो गई है। CSSE के अनुसार दुनिया के सबसे ज्यादा मामलों में मौतों में 7,06,99,416 और 8,66,540 के साथ अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना हुआ है। कोरोना से दूसरा सबसे प्रभावित देश भारत। कोरोना मामलों में दूसरा सबसे प्रभावित देश भारत है, जहां कोरोना के 3,92,37,264 मामले हैं, जबकि 4,89,409 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद ब्राजील में कोरोना के 2,40,54,405 मामले हैं, जबकि 6,23,370 लोगों की मौत हुई है। CSE के आंकड़ों के अनुसार 50 लाख से ज्यादा मामले वाले अन्य सबसे प्रभावित देश फ्रांस 1,68,07,733, यूके 1,59,66,838, तुर्की 1,09,47,129, रूस 1,09,23,494, इटली 99,23,678, स्पेन 89,75,458, जर्मनी 87,17,091, अर्जेंटीना 78,62,536, ईरान 62,50,490 और कोलंबिया 57,40,179 है। 1 लाख से अधिक मौत वाले देश। जिन देशों में 1 लाख से ज्यादा मौतों का आंकड़ा पार कर लिया है, उनमें रूस 3,19,536, मेक्सिको 3,03,085, पेरू 2,04,141, यूके 1,54,374, इंडोनेशिया 1,44,220, इटली 1,43,523, कोलंबिया 1,32,240, ईरान 1,32,230, फ्रांस 1,29,620, अर्जेंटीना 1,19,168, जर्मनी 1,16,723, यूक्रेन 1,05,791 और पोलैंड 1,03,844 शामिल हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।